नीचे यहाँ पर इंटरकूलर लगा हुआ है जो कि VSX कंप्लाइट के अंदर ऐड कर दिया गया था। जैसे ना वो साइड में आते हैं, मतलब इसके चेसिस के नीचे नहीं आते, साइड में आते हैं, साइड स्प्रिंग आते हैं। आपको वी जनरेशन का बटन मिलेगा जो DEF को एक्टिवेट करने के लिए होता है। जो इंटीरियर है वो अलग आता है, उसका बोलेरो इंटीरियर आता है, बाकी सब में सभी में सेम आता है। तो ये आपको सेंसर साथ भी दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, दो सेंसर मिलेंगे आपको जो कि आप कार्गो बॉडी लगाने के बाद फिट कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे महिंद्रा की पिकअप CBZ। मैंने पहले भी बहुत ही इसकी जो वीडियो डाली है, पिकअप जो अलग वेरिएंट आते हैं जैसे कि 4x4, इसका 1.7 मॉडल आता है, इसका AC मॉडल आता है, वो सभी मैंने पिकअप की जो वीडियो है, वॉकराउंड है, वो मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से आप देख लेना। और आज की वीडियो में पर्टिकुलर हम बात करेंगे पिकअप CBZ के बारे में जो कि 1.3 टन में आती है और ये BS6 मॉडल है 2021 का। तो पर्टिकुलर हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं वो डाले गए हैं, BS6 की कंप्लाइंट के अंदर कैसे क्या इंजन कहाँ से काम करता है, किस प्रकार का इंजन आता है, तो आज की इसमें यही चर्चा करेंगे। और बेसिकली पिकअप जो सीरीज़ है महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सीरीज़ है, इसमें कोई और कोई भी कंप्यूटर इसमें आगे नहीं है, क्योंकि महिंद्रा पहले से ही पिकअप बना रही है और इसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम है, इसीलिए ज़्यादा फीचर नहीं है कि ऐसे नहीं है कि जैसे मॉडर्न हो गया मतलब सो क्या लिया है, ऐसे नहीं है। इसमें सिर्फ लोडिंग पर्पज़ के लिए है और काफ़ी बेहतरीन पिकअप है, काफ़ी लोड कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रखती है। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे और देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बात करते हैं की से, जो की आती है वो सिंपल की आएगी इसके अंदर, इस प्रकार से इनवाइजर वाली की आती है, सेंटर लॉक नहीं आता इसके अंदर। और बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट की जो बाकी पिकअप है 1.7 और 4x4 उसी प्रकार से इसका फ्रंट आएगा सेम टू सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि एक ही बॉडी टाइप है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो बात करते हैं लाइट की, तो हेडलाइट आपको हेलोजन मिलेगा इधर, इंडिकेटर लाइट, पार्किंग लाइट और ये आपका जो मेन बीम है वो इस प्रकार से ग्रिल है, यहाँ पर महिंद्रा की फेसिंग है। नीचे यहाँ पर इंटरकूलर लगा हुआ है जो कि BS6 कंप्लाइट के अंदर ऐड कर दिया गया था। बात करते हैं यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलेगा, ये रिफ्लेक्टर की स्ट्रिप मिलेगी, फॉग लाइट का ऑप्शन यहाँ पर है तो आप लगवा सकते हो, इस प्रकार से फ्रंट दिखता है। साइड की लुकिंग, टायर की बात की जाए तो टायर इसके अंदर रेडियल आएंगे आपको, JK के मिल रहे हैं, हालांकि अपोलो भी आते हैं यहाँ पर, ज़्यादा कंसीडर जो यूजर्स हैं वो ज़्यादा कंसीडर JK के कहते हैं, तो JK के टायर अच्छे आते हैं इसे। और इसके अंदर आपको 15 इंच के टायर मिलेंगे 105 पर के हिसाब से, तो इस प्रकार के टायर आते हैं, ट्यूब वाले टायर आएंगे इसके अंदर। आगे आपको ब्रेक मिलेंगे डिस्क, पीछे आपको ब्रेक मिलेंगे आपको डिस्क मिलेंगे। सस्पेंशन की बात की जाए तो आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे, लीफ स्प्रिंग मिलेंगे शॉक अब्सॉर्बर, और पीछे भी आपको लीफ स्प्रिंग ही मिलेगा जिसको आप कबानी बोल सकते हो। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लीफ स्प्रिंग आपको पीछे मिलते हैं, 5 आपको आगे मिलते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट मिलेगी, ये वाइपर्स हैं, ये पिकअप CBZ की बेजिंग, ये 1.3 की बेजिंग, ये आपको RBM है जो मैनुअल एडजस्ट होगा, ये फुट स्टेप, ये LED बने हैं। तो पीछे आपको कार्गो बॉडी नहीं मिलती जो कि आपको बाद में लगवानी पड़ती है। तो 1.3 जो CBZ आती है इसके अंदर आप ये सर्विस है कि आप मन चाया जो भी कार्गो बॉडी वो लगवा सकते हैं, ठीक है। अलग जो उसके मॉडल होते हैं वगैरह, उसके अंदर आपको बॉडी मिलेगी कार्गो की, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी जो सस्पेंशन है, जो सस्पेंशन है वो साइड में आते हैं, मतलब इसके चेसिस के नीचे नहीं आते, साइड में आते हैं, साइड स्प्रिंग आते हैं। स्प्रिंग का कमाल ये है कि ज़्यादा गाड़ी उछलती नहीं है, जंप नहीं लेती, तो ये उसके लिए सही है। इस प्रकार से पीछे का चेसिस आता है, ये बैक लाइट आती है, टेल लाइट, ये नंबर प्लेट लाइट, पीछे आपको सेंसर भी मिलेंगे, सेंसर के कपलर है वो यहाँ पर दे रखे हैं, आपको अंदर मिल जाएंगे सेंसर, मैं दिखाता हूँ अभी। ओके,
तो ये आपको सेंसर साथ भी दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। दो सेंसर मिलेंगे आपको जो कि आप कार्गो बॉडी लगाने के बाद फिट कर सकते हो। ये जो कार्गो बॉडी वाला फिट करने वाला है वो फिट कर देगा। तो आपको इसके अंदर दो बैक सेंसर मिलते हैं। ये देख लीजिए पूरा लुक। चलिए अंदर की तरफ। तो बेसिकली जो विंडो आती है पिकअप की सेम टू सेम इसी में आता है। रेक्जिन टाइप इधर आएगा, ये मैनुअली एडजस्ट करने का आपको विंडो पे है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिलेगा, सीटें हैं वो फैब्रिक में आएंगी जो नॉर्मल आती हैं, एडजस्ट आपको मिलेगा नहीं। तो जो बेसिकली जो चीज़ आते हैं वैसे ही हैं। और यहाँ पर आपको पीछे का विंडो मिलेगा और ये आपको रूप लाइट मिलेगी। इस प्रकार से आपको रीजनरेशन का बटन मिलेगा जो DEF को एक्टिवेट करने के लिए होता है। जैसे गाड़ी जैसे कभी कभी VS6 कभी ऑन नहीं होती तो सॉरी चलती नहीं है, ऑन भी नहीं होती, तो उस टाइम पर ये बटन काम आता है। कुछ देर के लिए गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और ये बटन दबाइए। ये पेडल्स हैं, रेजिन आपको यहाँ पर मिलेगी अंदर मैटिंग। इस प्रकार से अंदर आपको वेनिटी मिरर मिलेगा सनवाइजर के साथ। इधर कुछ नहीं मिलेगा, ये आई वी एस जो कि अपने आप से एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। तो इस प्रकार से इंटीरियर आता है जो कि लगभग सभी पिकअप में ही आता है। 1.7 जो पिकअप आती है उसका इंटीरियर है वो अलग आता है, उसका बोलेरो का इंटीरियर आता है, बाकी सब में सभी में सेम आता है। बात के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है और ये यहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हो। यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, ये हजार्ड लैंप के लिए ऑन करने के लिए। ये गियर है जो इसी स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। 6 × 5 + 1 = 5 फॉरवर्ड है, एक बैक है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोव बॉक्स है जो कि डिसेंट साइज का है। उसके बाद ये स्टेयरिंग जो कि मिलेगा, इसके अंदर पावर स्टेयरिंग नहीं आता। पावर स्टेयरिंग इसके जो अदर वेरियंट 4x4 और जो 1.7 पिकअप वाले एसी वाले उसमें मिलेगा। यहाँ पर आपको आपके वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे, आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे जो बेसिक जो आते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, इसके अंदर आपको स्मॉलिंग लाइटें दिख रही हैं। बेसिक आता है, इसमें कुछ खास फर्क नहीं है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर मीटर प्लस में आपको फ्यूल मीटर वो मिलेगा और यहाँ पर आपको स्पीड मीटर मिलेगा। तो बेसिक जो आता है वो है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो ये इसके अंदर आपको 2.5 लीटर जैसे 2523 cc का इंजन मिलता है VS6 कंप्लाइंट के साथ M2DCR और 75 PSP पावर देता है 200 Nm टॉर्क के साथ। और काफ़ी अच्छा इंजन है वैसे कोई, और इसमें जो एवरेज माइलेज है वो भी ठीक है। 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की जो एवरेज है वो आपको देती है, तो ये एकदम सही बात है। एवरेज के मामले में कहीं कमी नहीं है। पिकअप के और भी मॉडल आते हैं जैसे कि 1.3, 1.7, 1.5, 4x4 पिकअप एसी जो मैंने अपने चैनल यूट्यूब पर डाल रखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई लिंक बटन पर डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। और तो कैसी लगी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।